अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका भाई मूसा एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त। और अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो अभी जल्दी से जाके देखें उसको, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आज का व्लॉग मैं उसके साथ कैसे जोड़ने वाला हूँ। वो सीन ये है कि पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मैं शदीद किस्म का डिसअपॉइंट हुआ था। वो सारी की सारी डिसअपॉइंटमेंट आप जाके देख सकते हैं उस व्लॉग के अंदर। तो उसको हम छोड़ते हैं और हम अगली बात करते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि देसी फूड्स जिसके अंदर आपके ताजमहल की पूरियाँ हो जाती हैं, पज्जे के पाए हो जाते हैं, नासिर के बोंग पाए हो जाते हैं, और बारिश की नारी हो जाती है, डिफरेंट देर आर मैनी, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बन चुके हैं इनके ऊपर, और आप लोगों ने जाके ट्राई भी कर ली होंगी, और अगर आप लोगों ने नहीं की तो जाके ट्राई करें, आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि कोई मतलब ताजमहल तो एटलीस्ट नॉट वेरी गुड। तो आप लोग भी जाके ट्राई करें। और जो मैं अगली चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अब हम लोग थोड़ा सा कैटेगरी स्विच करें, क्योंकि ये वाले रिव्यूज़ देसी फूड के और स्ट्रीट फूड के ऑफ लाहौर या किसी भी जगह का बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग वी विल बी गोइंग इन टू द प्लेसेस या इन टू द रेस्टोरेंट्स जो कि डेली रूटीन का खाना नहीं देते हैं, समथिंग जो यूनिक दे रहे हों, कुछ ऐसा जो हमने हमारे टेस्ट बर्ड्स जैसे उनको एक्सप्लोर करें, और कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए भी न्यू हो। तो आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम लोग, मैंने 3 रेस्टोरेंट शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कुछ, और आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं नीचे के कौन से रेस्टोरेंट में मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे जाए क्या ट्राई करना चाहिए। मुझे बहुत शौक है फूड न्यू ट्राई करने का, नया कुछ नई चीज़ खाने का, कोई नई कैटेगरी खाने का, कोई ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तानी से हट के भी हो वो भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, जैसे कि आज हम आज करेंगे। तो 3 रेस्टोरेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर एक रेयर कैफ़े है, एक हमारे पास डॉक 27 है, और एक हमारे पास क्यूबीज मेसन है। हम इन तीनों में से कोई एक चूज़ करेंगे आज, और बाकी 2 जो से हम आगे फ्यूचर के लिए रहने देंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इकट्ठा खा नहीं सकते हैं। तो तीनों रेस्टोरेंट्स हम इकट्ठे तो जो है रिव्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से एक रेस्टोरेंट, इनमें से आई थिंक सो मोस्ट प्रॉबली आज हम लोग रेयर कैफ़े जा रहे होंगे, और रेयर कैफ़े में जाके भी हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर हम नहीं खाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ ऐसी ही हैं जो कि बहुत कम रिव्यूज़ हुए होंगे अभी तक। तो भाई आपका है, आपको वो सारी की सारी चीज़ें ट्राई करके बताएगा, आप लोगों का भी दिल करेगा, और जो भी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ उनकी HD क्वालिटी की और बेहतरीन किस्म की मुंह में पानी आ जाने वाली तस्वीरें होती हैं मेरे इंस्टाग्राम पे लगती हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा नीचे नीचे नीचे, तो उधर भी जाके फॉलो करें। रमज़ान आने वाला है आप लोगों को पता है, तो रमज़ान के महीने के अंदर आपका जो घरों की इफ्तारियाँ होती हैं वही बहुत पूरे एहतमाम होती हैं। तो वो अफ्तारियाँ छोड़ने का भाई का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा रमज़ान के अंदर मुझे अफ्तारी कहाँ पे जाके ट्राई करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे भी जाके ट्राई कर लूँगा। खाने के लिए भाई को बहाना चाहिए होता, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो हम रमज़ान में अफ्तारियाँ भी बाहर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का मेरा प्लान ऐसे ही है कि रमज़ान के अंदर हम लोग अफ्तारी कम से कम बाहर करेंगे, लेकिन पूरा रमज़ान है, 30 दिन है, कैसे रहेंगे हम दूर खाने से, बाहर के खाने से। तो हम लोग लाजमी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 जितनी भी अफ्तारियाँ कर सकेंगे हम बाहर करेंगे, उनका ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, रिव्यू देंगे आप लोगों को, तो आप लोग वो भी देखना। तो बाकी अपने सजेशंस मुझे देते रहा करें, और बस सपोर्ट अपनी बरकरार रखें, भाई की एनर्जी इसी तरह बढ़ती रहेगी, और इंशाल्लाह ब्लॉग्स की क्वालिटी भी बेहतर होती रहेगी, रिव्यूज़ भी अच्छे होते रहेंगे। अभी हम चलते हैं रेयर कैफ़े जाके ट्राई करते हैं, और फिर आपको बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। अभी तक उनकी तस्वीरें देखी हैं, सीन तो बहुत आउट क्लास है, जाकर बताते हैं आपके क्या सीन है असल में। सी यू। And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. My good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in this space. Yeah, making rest every day, man.
and you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work cause we going, you going insane. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me bless, cause I work on my team, no snakes in the grass. So, bhai, aapka aaj ka rare cafe seems behtareen hai. So, abhi aata menu, to menu dekhte hain kya seems hai, kya nahi hai, kya nahi hai. Lekin background unse na bahut lit kisam ka diya usne. Woh hai nahi. Upar achhi behtareen light hai, food photography behtareen kisam ki hogi. और अब हम मेन्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा था हम बिल का इंतज़ार कर रहे हैं. अभी तो हम आए हैं भाई, अभी तो हम खाएंगे, अभी तो हम आपको बताएंगे. तो लेट्स सी कि क्या सीन है. जो भी हम ऑर्डर करेंगे हम आपको बता देंगे. मेन्यू आ चुका है, अब हम वो देखें. तो हमने ऑर्डर दे दिया. नाउ लेट्स सी, 10 मिनट के अंदर स्टार्टर आ जाएगा और 35 मिनट के अंदर मेन कोर्स. तो लेट्स सी, जैसी चीज़ें आती हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को खा के बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है. भाई ये आ गया क्रैबो ग्रेटिन, हमारा उनका स्टार्टर था ये, ठीक है. तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है. इसके साथ हमारे पास ब्रेड है, अंदर हमारे पास चीज़ है और क्रैब मीट है. तो अब हम इसको ट्राई करते हैं और उसके बाद आप बताते हैं क्या सीन है इसके. मैंने इसके ऊपर सारी लगा ली है ब्रेड के ऊपर और अब हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या सीन है. बहुत बेहतरीन, बहुत. मैं अभी बाइट पूरी गई नहीं और फ्लेवर्स इतने शदीद हैं, ज़बरदस्त किस्म का बना रहा है. मतलब डिफरेंट है, क्रैब मीट है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको फीलिंग आती है सी फूड वगैरह आप खा रहे हो, और शदीद किस्म का मज़ेदार है, और चीज़ बेहतरीन किस्म की लग रही है. मतलब बहुत ही मज़ेदार सी. तो भाई को तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ट्राई करना. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me bless, cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been twisting the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got rest. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. खाने का स्वैग तो आपने देख लिया. अगर आपने इसकी हाई क्वालिटी किस्म की बेहतरीन तस्वीरें देखनी है तो आपको पता कहाँ जाना है, वहीं आए. भाई पहले उनसे, भाई पहले रेवियोली ट्राई करेगा. रेवियोली इज़ अ पास्ता विद क्रैब मीट और साथ में उसमें ड्राइड सन ड्राइड टोमेटो वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें, बहुत बेहतरीन सा लग रहा है. अभी आपको दिखाता हूँ क्या सीख जाए. बहुत ही शदीद किस्म की चीज़ लग रही है मुझे. लेट्स ट्राई और देखते हैं. जो हमने पहले खाया था ना उसके अंदर, दैट वाज माइल्ड इन स्पाइसेस. ये बहुत फ्लेवरफुल, मतलब इसमें खट्टा
खट्टा सा टेस्ट भी आ रहा है, टैन भी है और साथ में उसके अंदर सही प्रॉपर मीट आ रहा है, इसके अंदर चुई किस्म का मीट है और जो टमाटोज हैं उनका तो बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा और बड़े मज़े का लगा, मतलब थोड़ा यूनिक था, नॉट रेगुलर डिश। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा जहाँ आ रहा कि आपको वाजिया आ रही होंगी यार, वो जहाँ पे भी हम खाना खाने जाते हैं ना तो उस पर दिल कर रहा होता है कि भाई वो भी खा ले, जबकि वो नहीं खा सकती है। सेफ एंड टर्फ अब हम ट्राई करने लगे हैं, ये सेफ एंड टर्फ है हमारे पास, कोई मैंने एक पीस ले लिया इसमें से और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अंदर से क्या सीन है इसका। सीन्स भाई आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल शदीद किस्म का पिंक है यार, ये ना फोकस नहीं हो पा रहा अच्छी तस्वीरों के लिए इंस्टाग्राम, शदीद किस्म का पिंक है बेहतरीन चल। जिस बंदे ने सही वाली स्टेक खानी है ना वो यहाँ पे आए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्टेक के साथ इतनी चीज़ें लगा देते हैं, इतने डिफरेंट सॉसेस डाल देते हैं कि असल जो बीफ का सही टेस्ट होता है ना वो बीफ का टेस्ट ही मार चुका होता है। हम लोगों के पास जो स्टेक आती है ना वो तो उसमें ज़्यादा फ्लेवर सॉसेस का होता है, ये जो उनसे ना एक्चुअल किस्म की बीफ स्टेक है, मतलब बेहतरीन ज़बरदस्त मज़ेदार जूसी किस्म की है, मतलब नॉर्मली जूसी भी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत जूसी किस्म की स्टेक है। ये उसके साथ आया था प्रॉन, तो इसको मैंने शेल से निकाल लिया बाहर, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाली है बोन मैरो और साथ में जो सॉस भी होती है ब्लैक पेपर वो डाल दिया और लेट्स सी क्या सीन है। भाई प्रॉन जो वैसे ही आपके भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में मैंने डाला था गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक और बेहतरीन रोस्टेड गार्लिक का इतना बेहतरीन सीन है ना, मज़ेदार किस्म का टेस्ट है। और सबसे ज़्यादा गेम उठाई हुई है आपकी मेक ने बहुत गेम उठाई है भाई। तो बॉयज क्रेम बरले आज कल ये देखें, ये जो सा क्रेम में आए थे जो ये बरले है, अच्छा इसके अंदर ये कैवियार्स हैं, ऑरेंज कैवियार्स हैं, तो ये सीन जो है उसने कहा था कि भाई आपने उनसे ना तकरीबन 3 मिनट बाद खाना है इसको, तो अब हम खा के देखते हैं इसको कि क्या सीन्स हैं इसके। ओके अच्छा सीन है, लेकिन ये सादा कस्टर्ड लग रहा है अभी, अभी तक सादा कस्टर्ड ही लग रहा है, ऊपर उनसे ना चीनी की टॉपिंग है, कोई खासा मज़ा नहीं आया अभी अभी सादा कस्टर्ड टाइप सा लग रहा है, लेकिन जो अब वाली बाइट है जो अब भाई ने बनाई है इसके अंदर है ऑरेंज कैवियर और साथ में वो क्रेम और साथ में ये सारा का सारा बिस्किटी टाइप सा, तो लेट्स सी इसको ट्राई करके देखते हैं क्या सीन है। और साथ में एक मिनट इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग एक स्ट्रॉबेरी, मतलब फुली लोडेड टाइप सीन बाइट हो जाए। ये सारी चीज़ें मिला के जो सा मज़ा आ रहा ना वो वैसे नहीं आ सकता। कैवियर मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, कैवियर मुझे समझ नहीं आ रही इतनी छोटी सी होती है कैवियर, इसका टेस्ट कैसे आएगा, तो मैंने सिर्फ कैवियर उठाई है। न्यूट्रल सा टेस्ट है यार, मतलब कुछ बहुत अमेजिंग सी चीज़ नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा रेयर कैफ़े का रिव्यू फाइनल हो गया, फूड इज़ अमेजिंग, स्वीट डिश जो हमने मंगवाई शायद वो नॉर्मल सी है, लेकिन मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ठीक है नॉर्मल है। तो भैया आज हमने रेयर का फूड ट्राई किया था, रेयर कैफे से अभी हम निकल आए हैं, रेयर से हमने बहुत ही रेयर किस्म का फूड खाया था, बहुत मज़ा आया, बेहतरीन किस्म का टेस्ट था, हर चीज़ अच्छी थी, स्वीट डिश के अंदर थोड़ी सी मार खा गए लेकिन बाकी चीज़ें वर आउटस्टैंडिंग, मतलब हो सकता है मैंने स्वीट डिश सही मंगवाई ना हो तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, तो स्वीट डिश वॉज ओके बट एवरीथिंग एल्स वॉज अमेजिंग,
फूड वॉज ग्रेट, हाई क्वालिटी इमेजेस देखने के लिए जाएं जल्दी से इंस्टाग्राम के ऊपर जाके देखें, मज़ा आ जाएगा आपको, आपका भी दिल करेगा। एंड इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस फॉर एनीबडी जो कि सम अनयूजुअल किस्म का खाना खाना चाहता है। क्रैब इज़ अमेजिंग, मैंने आज तक ज़िंदगी में क्रैब नहीं खाया था, मेरी ख्वाहिश थी तो आज खा लिया और मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। तो इट वॉज़ अ टोटल इम्प्रॉम्प्टू किस्म का बेहतरीन फूड। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं हम एंड, और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड इट वुड बी एपिक। अच्छा यार गाइस, मैं ये सोच रहा था कि हम ये जितने भी रेयर फूड्स और इस तरह के जो अनयूजुअल से फूड्स हम खाया करेंगे, इस कैटेगरी का एक नाम रख लेते हैं, तो इसको हम कहा करेंगे एपिक फूड्स सीरीज़ का, ठीक है। एपिक फूड स्लैश या डैश सिटी नेम जहाँ से भी मैंने खाया होगा, ताकि इट वुड बी ईजियर टू फिल्टर आउट, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे एपिक फूड्स का और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो हम जो भी रेयर फूड ट्राई किया करेंगे वो हम इस कैटेगरी के अंदर डाला करेंगे। तो अब आप लोग सो सकते हैं, मैं भी सोने जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय।